आज हम महाराष्ट्रियन स्टाइल में गोड़ा मसाले से भरवा बैंगन बनाएंगे। इसके लिए गोड़ा मसाला के लिए ये मसाले चाहिए। साबुत लाल मिर्च है 5 से 7, 1 टेबल स्पून सूखा खोपरा है, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून तिल, 1 टेबल स्पून जीरा है, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर है, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्ची है, 5 से 7 इलायची है, 7 लौंग है, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का है, ये 3 तेज पत्ते हैं। इन सबको 1 चम्मच तेल में रोस्ट कर फिर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त इसमें ये थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये पीसकर मसाला, इस तरह से ये गोड़ा मसाला तैयार हो जाता है। इस तरह से ये छोटी साइज के बैंगन ले लीजिए, इसे इस तरह से काटने हैं। इसको इस तरह से काट के अंदर चेक भी कर लीजिए, ये अच्छे हैं ना। इस तरह से सब बैंगन काटेंगे। और ये जो हमने गोड़ा मसाला का आपको मसाला दिखाया था, उसमें ग्राइंड करने के बाद ये 3 टेबल स्पून जितना बन जाता है। सब बैंगन को ऐसे काट लेंगे, अंदर से चेक कर लीजिए। इसे इस तरह से स्क्वायर में काटने से मसाले अच्छे से भरे जाएंगे। गोड़ा मसाला के साथ मैंने ये 3 टेबल स्पून गोड़ा मसाला है, 1 चम्मच नमक है, 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर है, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 2 टेबल स्पून बारीक पीसी हुई रोस्टेड मूंगफली है और 2 टीस्पून धनिया पाउडर है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमचूर से इसमें अच्छा खट्टा स्वाद आएगा। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके हम बैंगन में भरेंगे। बाकी बचा हुआ आप इसी तरह इसमें ऊपर से डाल सकते हैं, जिसमें चारों तरफ से अच्छे से बैंगन भरे जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके बैंगन को ऐसे दोनों बाजू से भरेंगे। इस तरह अच्छे से मसाला भर लीजिए सब बैंगन में। इस तरह से ये हमारे 10 बैंगन अच्छे से मैंने भर लिए। ये बाकी मसाला है जो मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी। अब हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितना तेल लेंगे। नॉन स्टिक में बना लीजिए, जिससे कम तेल लगेगा। चौंक में ये 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। 2 से 3 तेज पत्ते हैं बारीक टुकड़े किए हुए, 2 लौंग है, 2 इलायची है, ये थोड़ा सा हींग है, और हम इसमें ये बैंगन डाल देंगे भरे हुए। ये मसाला पूरा अच्छे से ऊपर से डाल दीजिए।
जीरे आज की इसे बना ली है। इसमें आप हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने तेल बहुत कम डाला है, तो हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें ये 1/4 कप जितना पानी डालेंगे जिससे हमारे बैंगन जलेंगे भी और मसाला भी अच्छे से सिक जाएगा। अब ये 5 से 7 मिनट में हमारे बैंगन तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारे बैंगन सीज रहे हैं, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अभी इसको 2 मिनट और है। इस तरह आप कम तेल में हेल्दी बैंगन की भरवा सब्जी भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारे बैंगन बन गए हैं, देखिए कितने बढ़िया बने हैं। आप कम तेल में भी इसे इस तरह से बना सकते हैं, कितने बढ़िया मसालेदार है भरवा बैंगन। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस तरह से आज हमने महाराष्ट्रियन स्टाइल में गोड़ मसाला भरवा बैंगन बनाए हैं, तो इसको आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस बनते हैं। पूरा वीडियो देखकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपको जो भी कमेंट्स लिखने हैं लिख सकते हैं।